उत्तर प्रदेश के दो जिलों में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। दरअसल पहला मुठभेड़ की घटना के मसूरी थाना क्षेत्र की है। यहां मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से पुलिस ने एक मोटरसाइकिल और तमंचा बरामद किया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सीओ सदर आकाश पटेल ने बताया कि नाहल पर उनकी टीम और मसूरी पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी बाइक सवार एक संदिग्ध को रुकने का इशारा किया, जो पुलिस पर गोली चलाते हुए भागने लगा। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी है। आरोपी के खिलाफ विभिन्न थाना क्षेत्र में हत्या का प्रयास, लूट, स्नैचिंग जैसे 27 मुकदमे दर्ज हैं। थाना मसूरी क्षेत्र में आज सुबह एक बदमाश के साथ पुलिस मुठभेड़ हुई, जिसमें इस बदमाश के पैर में गोली लगी। नाहल चौकी क्षेत्र में चेकिंग के दौरान ये व्यक्ति पुलिस पार्टी के द्वारा रोके जाने पर रुका नहीं और इसके बाद पार्टी पर फायरिंग करके भागा, जिसके बाद की पुलिस के द्वारा पीछा गया, जवाबी कार्रवाई की गई। अब तक की जो जानकारी सामने आई है उसमें इसका नाम हसनैन है, जो कि पिपलेड़ा का रहने वाला है। इस पर गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, मेरठ और गाजियाबाद, इन चार जनपदों में अभी तक की जानकारी के हिसाब से लगभग 27 मुकदमे पंजीकृत पाए गए हैं, जो कि हत्या के प्रयास, लूट और गैंगस्टर अधिनियम आदि के अंतर्गत हैं, और इसके बारे में बाकी अग्रिम जानकारी की जा रही है। वहीं दूसरी मुठभेड़ की घटना ग्रेटर नोएडा जिले की है। दरअसल यहां दिन दहाड़े पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 75,000 का इनामी बदमाश को गोली लगी। बताया जा रहा है कि 9 साल से गैंगस्टर के मामले में फरार चल रहा था और बदमाश पर एक दर्जन से ज्यादा हत्या, रंगदारी, लूट, अपहरण जैसे मामले दर्ज हैं। वहीं पुलिस बदमाश की कुंडली खंगालने में जुटी हुई है। आज दादरी पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन थी कि एक बहुत ही शातिर अपराधी, जो कि अनिल दुजाना और रणदीप गैंग का ये बहुत ही शातिर शूटर है और कई मामलों में ये वांछित चल रहा है, दादरी से गैंगस्टर में, सूरजपुर से हत्या में, कासना में हत्या के प्रयास में, इसी प्रकार गाजियाबाद से, हापुड़ से, कई जनपदों से वांछित चल रहा था। इस पे जनपद गौतम बुद्ध नगर से भी 50,000 रुपये का इनाम घोषित था और गाजियाबाद से जो प्रथम दृष्टया पता चला है कि 25,000 रुपये का इनाम घोषित हुआ है। ये इसका नाम अनु चौधरी है। ये मुखबिर की ये सूचना थी कि आज ये अपनी कार से इस रास्ते से जाएगा, यहाँ पे घेराबंदी की गई। जब घेराबंदी की गई तो इसने पुलिस पार्टी पे फायरिंग की, पुलिस पार्टी ने जवाबी कार्रवाई में, काउंटर एक्सचेंज में, पुलिस पार्टी ने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई, जिससे इसके पैर में गोली लगी है। इसको अस्पताल भेजा गया है। अभी जो इसकी मौके पर पिस्टल बरामद हुई है, एक कार्बाइन बरामद हुई है, फोरेंसिक की टीम आ रही है, अभी हम लोग पूरी कार की छानबीन करेंगे। बहुत ही शातिर अपराधी है, ये दादरी पुलिस की बहुत बड़ी सफलता है। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र के बिरयानी पुल पर मुठभेड़ हुई है। बदमाश के पास से सेंट्रो कार, एक कार्बाइन पिस्टल पुलिस ने बरामद की है। ADCP, ACP, दादरी, SHO, भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर मौजूद थे। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजियाबाद से संजय मित्तल और ग्रेटर नोएडा से गौरव गौर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।